सो कुछ टाइम से मुझे दो एनिमेज के बहुत ज्यादा ही रिक्वेस्ट आ रहे हैं। पहला है ब्लैक क्लोवर का सीजन 2 और साथ ही में माय हीरो एकेडमी का सीजन 7। ये दोनों ही चीजें कब तक हिंदी डब में आएगी, इसको लेकर आप लोगों का डेली सवाल रहता है। और चलो आज मैं आप लोगों को इसका आंसर दे के संतुष्टि दूंगा, लेकिन इसके अलावा कुछ एनिमी अपडेट्स भी है, इसलिए चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारी मांगा की न्यूज को लेकर, क्योंकि यहाँ पे मांगा में एक नहीं दो नहीं तीन तीन मांगा ब्रेक पर चली गई है, और वो है अपनी कोमी सान कांड कॉम्युनिकेट और इसके साथ में गाचे कुत्ता और ओशिनो को। ये जो तीनों मांगा है वो ब्रेक पर जा चुकी है, जो यहाँ पे जितने भी लोग इन मांगास को रीड कर रहे थे उनके लिए यहाँ पे बुरी न्यूज है। बट एनीवेज, इसके अलावा हम लोग बात करें एक अच्छी न्यूज के बारे में जो आता है अपने वीकली शोने जंप को लेकर, क्योंकि वीकली शोने जंप वाले आज एक प्रेस रिलीज करेंगे जहाँ पे आज हो सकता है कि हम लोग कुछ बड़े अनाउंसमेंट सुनने मिले, क्योंकि ये जो प्रेस रिलीज होने वाला है वो थर्ड टाइम होगा। जहाँ पे फर्स्ट टाइम जब ये हुआ था तब वहाँ पे साकामोटो डेज एनिमे की अनाउंसमेंट हुई थी, और सेकंड प्रेस रिलीज में MHA 5 चैप्टर में एंड होने वाला है उसकी न्यूज आई थी। और अब देखते हैं इस थर्ड प्रेस रिलीज में हमें क्या सुनने मिलता है। अब ऐसे यहाँ पे जो भी न्यूज होगी वो मैं आप लोग बता दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और हम लोग बात करें अपने एनिमे अपडेट्स के बारे में, जैसे यहाँ पे लीकोस रिकॉइल एनिमे की न्यू समर एनिमे का हम लोगों को विजुअल देखने मिला है, और इसी के साथ में जो इसकी 6 स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे की शॉर्ट्स आने वाली है वो वाला जो प्रोजेक्ट है वो अभी करेंटली में प्रोडक्शन है। साथ में इसके बाद हम लोग बात करें एक न्यू एनिमे के बारे में जो यहाँ पे अनाउंस हो चुका है, और इस एनिमे का नाम है विच वॉच, जिसका हम लोगों को एक नया की विजुअल देखने मिला है, और इसी के साथ में हम लोगों को इसका एक नया ट्रेलर भी देखने मिला है। जहाँ पे इन सब के अलावा अगर आप लोग इस एनिमे को देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि एनिमे ब्रॉडकास्ट होगा अप्रैल 2025 से। अब ऐसे नेक्स्ट सीरीज के बारे में बात करें जो आती है अपने स्पोर्ट्स सीरीज हाइक्यू, और हाइक्यू फाइनल मूवी द डम्पस्टर बैटल जो आप लोगों ने शायद देखी होगी, तो यहाँ पे इस मूवी का खुद का एक एग्जीबिशन अनाउंस हुआ है जो यहाँ पे होने वाला है 27 दिसंबर को। और इसके अलावा हाइक्यू के टीवी एनिमे की 10th एनिवर्सरी के कम्प्लीट करने के सेलिब्रेशन में यहाँ पे हाइक्यू एनिमे के लिए इवेंट अनाउंस किया गया है जो 2 मार्च को शायद होगा। लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हाइक्यू एनिमे को लेकर इतने सारे प्लान्स हैं उन्हीं प्लान्स के बीच में हाइक्यू की सेकंड मूवी भी अनाउंस कर दी जाए। अब वेल, इतना तो कंफर्म है कि सेकंड मूवी आप लोगों को अगले साल तक ही शायद देखने मिले। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट स्पोर्ट्स एनिमे बारे में बात करें जो आता है अपना ब्लू लॉक, और यहाँ पे ब्लू लॉक की भी न्यू इन्फॉर्मेशन रिवील कर दी गई है। जहाँ पे इसके न्यू इन्फॉर्मेशन के नाम पे हम लोगों को इसका एक नया की विजुअल देखने मिला है, और इसी के साथ ब्लू लॉक के एनिमे ने कंफर्म कर दिया है कि सीजन 2 के अंदर हम लोगों को ब्लू लॉक वर्सेज U20 जापान आर्क देखने मिलेगा। और ये आर्क अच्छा या नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि मैंने मांगा रीड नहीं किया है। अगर आप लोगों ने ब्लू लॉक की मांगा रीड करी हुई है तो यहाँ पे आप लोग कमेंट में आके बता सकते हो कि इसका ये वाला आर्क कैसा है। अब हालांकि अगर आप लोग ब्लू लॉक एनिमे का इंतजार कर रहे हो तो मैं बता दूं कि ये शेड्यूल हो चुका है 5 अक्टूबर के लिए, और इसी के साथ में सीजन 2 के अंदर 14 एपिसोड्स भी होंगे, इसलिए आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हो सकते हो। लेकिन इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो आता है अपने कुछ हिंदी डब एनिमेज को लेकर, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ दो एनिमेज की हिंदी डब की सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है, और वो है अपनी ब्लैक क्लोवर और MHA की। जहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें MHA सीजन 7 के हिंदी डब के बारे में, जिसको लेकर यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि अब ये CNA के ऊपर कब तक आएगा, जिस पर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग उम्मीद कर रहे हो कि MHA सीजन 7 हम लोग को इस साल देखने मिल जाए तो देखो ये तो इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल भी छोड़ो, यहाँ पे मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को MHA सीजन 7 एक साल तक देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि सीरियसली यहाँ पे MHA सीजन 7 जो है वो अभी जापान के अंदर खुद एयर हो रहा है, और अभी उसके सिर्फ 13 ही एपिसोड एयर हुए हैं, तो यहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि MHA सीजन 7 हम लोग को CNA पर अभी देखने मिलेगा। और इसीलिए आप लोगों को सवाल होगा कि अभी देखने नहीं मिलेगा तो कब देखने मिलेगा, क्या फ्यूचर में ये कभी आएगा भी या नहीं। तो देखो अभी कुछ कंफर्म हो के नहीं कह सकते कि CNA वाले MHA को कंटिन्यू करेंगे या नहीं। अब हालांकि उन्हें सपोर्ट मिला होगा तो वो लोग इसको जरूर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जैसे मैंने आप लोग बताया कि MHA सीजन 7 अभी दिखाना CNA के लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए आप MHA सीजन 7 जो है वो आप लोग एक साल के लिए भूल जाओ। अब हालांकि MHA सीजन 7 आएगा या नहीं उसका तो आंसर मैंने आप लोग दे दिया, लेकिन यहाँ पे अब आप लोगों को सवाल होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो इसका सॉल्यूशन बस एक ही है कि आप लोगों को अगर MHA सीरीज अभी कंटिन्यू करनी है तो अब आप लोगों को सबटाइटल के अंदर शिफ्ट होना होगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे CNA को आप लोग थैंक्स बोल सकते हो, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे एनिमे फैंस का MHA यहाँ पे कॉट अप करवा दिया है, और यहाँ पे अब जितने भी MHA फैंस है वो अब बाकी MHA फैंस की तरह सीजन 7 को स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, फिलहाल के लिए अभी बस यही सॉल्यूशन है। अगर आप लोगों को माय हीरो एकेडमी सीजन 7 देखना है तो आप लोग इसको इंग्लिश सबटाइटल या फिर हिंदी सबटाइटल में देख सकते हो, और यहाँ पे हिंदी सबटाइटल में एनिमे कहाँ से देखना है वो तो मैं आप लोग नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोग वीडियो में कमेंट कर देना है।
अगर किसी को भी आंसर पता होगा तो वो कमेंट में दूसरों की मदद कर देना। अब हालांकि यहाँ पे सबटाइटल में एनिमे देखने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए अगर आप लोगों को इंग्लिश डब में देखना है तो मैं बता दूं कि इसका इंग्लिश डब भी कुछ टाइम बाद आ जाएगा, और जब इसका इंग्लिश डब आएगा तब आप लोग MH7 को भी देख लेना। लेकिन चलो अगर आप लोग एक साल का इंतजार करने के लिए भी तैयार हो तो यहाँ पे इंतजार करने से अच्छा आप लोग ड्रैगन बॉल को सपोर्ट करो, क्योंकि सीने वाले अभी ड्रैगन बॉल भी स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रैगन बॉल की डबिंग अच्छी होगी ये तो कंफर्म हो चुका है। इसलिए फिलहाल के लिए कार्टून नेटवर्क पर आप लोग ड्रैगन बॉल को सपोर्ट करो, क्योंकि सीएनए वाले यहाँ पे आपके सपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप लोग उनको सपोर्ट करोगे तो वो ड्रैगन बॉल को लेकर और भी बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे, और हो सकता है कि फ्यूचर में ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी भी आ जाए, जो देखो मैं बड़ी बात नहीं कहूंगा, बट यहाँ पे सीएनए को सपोर्ट करो आप लोगों को ड्रैगन बॉल की ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। अब वैसे माय रैंकेड में सीन 7 की हिंदी डब के बारे में हम लोगों ने बात तो कर लिया, लेकिन अब हम लोग बात करें अपने ब्लैक क्लोवर एनिमे के बारे में, जिसके बारे में लास्ट टाइम जब बात किया था तो मैंने बोला था कि इसका हिंदी डब यहाँ पे अब सोनिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग इसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं, क्योंकि देखो किसी एनिमे को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं वो पूरा प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। बट स्टिल अगर आप लोगों को गुड न्यूज जाननी है तो यहाँ पे मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि जैसे कि आप लोग याद होगा तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि ब्लैक क्लोवर एनिमे के जो राइट्स है वो सोनी के पास सिर्फ सीजन 1 ही तक थे, क्योंकि सोनी ने सीजन 1 के राइट्स खरीदे थे। बट गेस व्हाट, यहाँ पे एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे सोनी वालों ने ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 के राइट्स को रिन्यू करवा लिया है। और हाँ, यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे कुछ बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड सोर्सेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 के राइट्स को सोनी ने खरीद लिया है, और इसका मतलब ब्लैक क्लोवर फैंस आप लोग जानते हो क्या है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम लोग को फ्यूचर में ब्लैक क्लोवर का भी हिंदी डब देखने मिलेगा, और यहाँ पे कब देखने मिलेगा वो मुझसे आप लोग मत पूछना, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग बोल दिया कि किसी एनिमे को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसीलिए मैं बता दूं कि ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 के राइट्स तो खरीद लिए सोनी ने, लेकिन यहाँ पे अभी तक उसकी डबिंग स्टार्ट नहीं की गई है, और अभी तक डबिंग स्टार्ट क्यों नहीं हुई है उसका क्या रीजन है वो तो सोनी वाले ही जाने, लेकिन हो सकता है कि शायद फ्यूचर में ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 के हिंदी डबिंग को स्टार्ट कर दिया जाए। जहाँ पे आप लोग सवाल होगा कि अब यहाँ पे ब्लैक क्लोवर के एनिमे को आने में अब कितना टाइम लग सकता है, तो देखो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 महीने भी लग सकते हैं या फिर यहाँ पे 6 महीने भी लग सकते हैं, इसलिए ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 के हिंदी डब को आने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। बट इसका हिंदी डब फ्यूचर में आएगा इतना कंफर्म है, इसलिए आप लोग चाहो तो इंतजार कर सकते हो, और अगर आप लोग को इंतजार नहीं करना तो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, आप लोग ब्लैक क्लोवर को इंग्लिश डब के अंदर देख लो या फिर हिंदी सबटाइटल या फिर इंग्लिश सबटाइटल में देख लो, क्योंकि अगर आप लोग इंतजार नहीं कर सकते हो तो ऑब्वियसली आपके पास जो सेकंड ऑप्शन होगा वो यही होगा, या फिर आप लोग वेट कर सकते हो, जैसे इसका हिंदी डब आएगा वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। और इसी के साथ मैं होप करता हूँ कि जो आपके क्वेश्चंस थे उसका आंसर शायद आप लोगों को मिल गया हो, इसलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और यहाँ पे फ्यूचर में अगर आप लोगों को ऐसी कमाल के एनिमे अपडेट चाहिए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, और मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।